हेलो फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है और पॉइंट बी एक डिस्टेंस पे, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम है, तो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं पॉइंट बी पे जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो। अगर लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो बी पे मिलना चाहिए। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होगा तो उसमें ये रूल फिल अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। अब इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज द सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स के लिए तीन चार टर्म्स डेफिनेशन वो हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए। सबसे पहला तो है आपका कोप्लेनर, जैसा कि नाम शो करता एक ही प्लेन पे रहेगा। सपोज एक्स वाई प्लेन है, उसमें फोर्स एक्ट कर रहे हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री, या एफ वन को हम मान लें तो ये एक सेम प्लेन पे एक्ट कर रहा है, दूसरे प्लेन पे ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सेकंड है आपका कोलिनियर। कोलिनियर मतलब इन द सेम लाइन। फॉर एग्जांपल फोर्स एफ वन किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और उसी लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो पॉइंट एफ टू भी एक्ट करेगा, तो हम ये समझ लेंगे कि एफ वन एंड एफ टू आर एक्टिंग इन द कोलिनियर फेज। थर्ड वन इज कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस बट एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। जैसे कि आप ये देख रहे हैं एफ वन एक्ट कर रहा है एफ टू एंड एफ थ्री इन डिफरेंट डायरेक्शन बट आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं ये। लास्ट वन इज पैरेलल फोर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं लाइक फोर्सेज आर देयर एफ वन एफ टू एफ थ्री आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट आर नोन एज द पैरेलल फोर्सेज। थैंक यू फ्रेंड्स।